क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है कॉर्ड एस, हमारी सर्कल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हमारे को सर्कल दे रखा है जिसका सेंटीमीटर है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एस सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है, शायद आई थिंक इट्स करेक्ट, ध्यान दे दो तेरे। ये अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है उसका एरिया निकालना है, यानी कि आपको किसका एरिया निकालना है, इसे बोल दे राइट, यानी कि आपको करना क्या है बच्चे, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए बी, तो आप इसका रिक्वायर्ड एरिया आएगा क्या हमारा, इसका रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, आई बात समझ में, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एंड नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर, थीटा अपॉन पाई आर, थीटा 120 अपॉन 360 डिग्री इनटू में पाई, पाई की वैल्यू मैंने 3.14 बोल रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 बोल रखी है, आर स्क्वायर कितना है 12, आर 12 था, 12 × 12 पाई को मैं भी पाई रहने ही देने का मेरा मन कर रहा है, या फिर डाल भी सकते हो वैल्यू 3.14 डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो 3.1 और 3, 3 से कट कर दो 3 4 48 इनटू में 3.1, अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ, इफ रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करेंगे, देन नॉट रिक्वायर्ड कैलकुलेशन से नहीं करेंगे, चाहिए हो तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, अब ट्रायंगल का एरिया कैसे लोगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास, क्या हाइट है हमारे पास, क्या हो जाएगा मैम, एक एंगल दिया हुआ है वो दो साइड इक्वल होंगी क्योंकि रेडियस है, अच्छा हां उसके बाद दोबारा बोलो, रिद्धिमा बोलो, रिद्धिमा बोल रही है, बोलो बोलो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो मैम पहले वो एंगल से बनाएंगे उसके बाद ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितने के होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, तो आपका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इक्वल तो ये आपका हो गया 180 माइनस 30 हो गए, तो ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, राइट, फिर अब क्योंकि आपको मालूम है ये एंगल ये रेडियस है, ठीक है, तो मैं इधर इससे एक क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकती हूं, इज इट पॉसिबल, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर सकती हूं, बाइसेक्टर का पता नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जा सकता है, बाइसेक्टर का नहीं है पता, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ ये 30 डिग्री का एंगल है और ये क्या है 12 है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, अच्छा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, होगा, कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा बच्चे, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इधर आ गया और ये 90 डिग्री का एंगल है, आरएचएस प्रॉपर्टी लगा दो तो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का आ गया और ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का आ गया, ठीक है, ये आपको 12 दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, हाइट हमारे को नहीं पता, हाइट हमारे को नहीं पता, हाइट पता है,
हाइट कैसे निकाली जा सकती है बच्चे? हाइट हम ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे भी अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे एक बार हाफ में, पहली बात आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग द सॉल्यूशन यू कैन राइट द एंगल कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर OM टू साइड AB, राइट? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. Now, in triangle AMO and triangle BMO. In triangle AMO and in triangle BMO, आपको मालूम है कि OAO OA is equals to OB, radius OM is equals to OM, common. फिर आपको पता है एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री ईच. तो आप कह सकते हो दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है. तो आप एक का एरिया निकालते हो उसका ट्वाइस कर सकते हो. मैम तो फिर वो ए एम और एम सी भी इक्वल ए बी एम बी सॉरी. हाँ तो उससे क्या करना चाह रही हो? लेकिन मैं तो इसमें कुछ धमाल सा करना चाह रही हूँ. धमाल ये हमारा फॉर्म आ गया. ठीक है, सुन लो, त्रिगो अप्लाई कर दो. त्रिगो अप्लाई कर दो. त्रिगो कैसे अप्लाई कर सकते हो? ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. सो इन ट्रायंगल AMO आपका परपेंडिकुलर यानी कि OM अपॉन में हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज 12 इज इक्वल्स टू साइन 30. साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ. साइन 30 1 बाय 1 by 2. 1 by 2 is the value of sin 30. That's the value. OM 12 is equals to 1 by 2. OM is equals to 6 आ गया, right? OM की value क्या आ गई? 6 आ गई. ऐसे ही AM की भी value निकाली जा सकती है क्या? वही लगा दो पाइथागोरस. अभी पहले इसे बंद कर ले.